भूमि सर्वे तो चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने समाज के अंदर हर हाल में अधिकतर लड़ाई अधिकतर विवाद जमीन से जुड़ा है और जमीन के विवाद का समाधान के लिए सरकार गंभीर है, चिंतित है। इसके समाधान के लिए सरकार पूरी सजगता से काम करने के लिए तैयार है। जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए एक प्रयास किए हैं। इसके अंदर कोई खामी और कमी है तो उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री जी करेंगे। राहुल गांधी को भारत में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव जी दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये राजद के तरह परिवारवादी वंशवादी पार्टी नहीं है और भाजपा सबकी पार्टी है, सब जाति की पार्टी है। सर, भूमि सर्वे पे क्या राय है? अब भूमि सर्वे तो चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने समाज के अंदर जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए एक प्रयास किए हैं। इसके अंदर कोई खामी और कमी है तो उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री जी करेंगे। हर हाल में अधिकतर लड़ाई अधिकतर विवाद जमीन से जुड़ा है और जमीन के विवाद का समाधान के लिए सरकार गंभीर है, चिंतित है। इसके समाधान के लिए सरकार पूरी सजगता से काम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी भारत में कुछ नहीं बोलते हैं, विदेश में जाकर आरक्षण क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी को भारत में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सोने के चम्मच लेकर जो जन्म लिए हैं, आज संयोग से देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव जी दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। दोनों के अभिभावक माता पिता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये नेता बने, लेकिन ये जो लिख करके कंटेंट देता है और उसी के आधार पर ये बोलते हैं और फंस जाते हैं। न इनको भारत का, न भारतीयता का, न भारतीय संस्कृति का, न यहाँ की विरासत का इनको ज्ञान है, न पहचान है। विदेश में जाकर के जो अपने देश का अपमान करे, अपने भारतीय के बारे में नकारात्मक बात करे, वैसे लोग भारत को मजबूती कतई प्रदान नहीं कर सकते और वैसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कहता है सो करता है। ये राजद के तरह परिवारवादी वंशवादी पार्टी नहीं है और भाजपा सबकी पार्टी है, सब जाति की पार्टी है, सबका पार्टी है, जो राष्ट्र के हित में काम करता है। इसलिए भाजपा की तुलना और उसकी समझ इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी इनके समझ में आना।